गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा जल्दी है अपने को, टाइम ऑलरेडी ज़्यादा हो चुका है। ये देखिए, अरे इसमें टाइम ऊपर नीचे हो गया मेरे को लग रहा है। हाँ, इसमें टाइम सेट करने वाला है। एक्चुअली टाइम हो चुका है 4:35 और अपने को 5:30 पहुँचना है पटियाला, तो थोड़ा जल्दी करेंगे। शायद मैं ज़्यादा लंबी वीडियो ना बना पाऊँ, लेकिन देखेंगे क्या आप पहुँच पाएंगे आधे घंटे में, और विद इन लिमिट्स। गवर्नमेंट्स की जो लिमिट है उसमें ही चलेंगे, ज़्यादा तेज भी नहीं। सुबह सुबह का टाइम है तो चलिए जल्दी ही चलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे। काफ़ी खुला है, सुबह सुबह ट्रैफिक भी बहुत कम है, तो हम मेंटेन कर पा रहे हैं एक ही स्पीड। 100 टाइप में चल रहा हूँ और माइलेज देखिए कितनी गिर गई है, और अपनी डेस्टिनेशन दिखाऊँ कितनी दूर है। अपनी डेस्टिनेशन देखो, अभी भी अपने को 50 मिनट दिखा रहा है, तो अपने को थोड़ा सा और फास्ट जाना पड़ेगा, लेकिन मज़ा आ रहा है। गाने सुनते हुए चल रहे हैं। जो टाइमिंग होता है ना फ्रेंड्स सुबह वाला, जिस टाइम पे थोड़ी थोड़ी रोशनी हो रही होती है आसमान से और थोड़ा अंधेरा भी रहता है, उस टाइम पे हेडलाइट्स भी इतना ज़्यादा काम नहीं करती, और सामने वाली गाड़ी की हेडलाइट ना आंखों में बड़ी अच्छी खासी लगती है, तो ये बड़ा डेंजरस टाइम होता है। इसमें थोड़ा सा प्रिकॉशन ज़्यादा लेके चलना पड़ता है, अलर्ट ज़्यादा रहना पड़ता है, क्योंकि आपकी हेडलाइट तो ज़्यादा काम करेगी नहीं। और वैसे आपको अभी कैमरे में बड़ा अच्छा दिख रहा है, लेकिन वैसे अगर बैठ के देखोगे आप तो थोड़ा सा दूर का सही से दिखाई नहीं देता है, जबकि मैं हाई बीम पे चल रहा हूँ अभी, क्योंकि यहाँ एक साइड बाढ़ बन चुकी है तो किसी की आंखों में लगने का तो नहीं है, लेकिन कई जगह देखो अभी आगे से आपको दिखाई दे रहा होगा ना, जैसे हम फ्लाई ओवर क्रॉस कर रहे हैं तो आगे वाली गाड़ी की आँखों में लग रही है, तो इस तरह से थोड़ी सी इस टाइम पर प्रिकॉशन ज़्यादा लेके चलना पड़ता है। जब मच्छर इतने ज़्यादा है ना, पूरे शीशे पे लग गए हैं, पता नहीं कैमरे में आपको दिख पा रहे हैं कि नहीं, और पता नहीं ये क्या हुआ वाइपर का ना, देखो इधर थ्रो नहीं आ रहा, उधर उधर जा रहा है। अभी तक तो आ रहा था, अभी मैं कर रहा हूँ तो सिर्फ ये बीच में ही लग रहा है, अब आया अभी थ्रो लग गया, लेकिन साफ नहीं हो पा रहा भाई, मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, शीशे पे पूरे पे हो गए हैं। एक बात बताऊं दोस्तों, सच्ची सच्ची बताता हूं आपको, चलो 110 तक तो बहुत स्टेबल रहती है अपनी गाड़ी, 110 पे तो ऐसे मक्खन की तरह चल रही है, कोई नो प्रॉब्लम, लेकिन 120 पे जाने के बाद ना थोड़ी सी, मतलब ऐसे हिलता नहीं है स्टेयरिंग, लेकिन आप अगर अच्छे से वैसे पकड़ के रखो ना ग्रिप टाइट थोड़ा, तो आपको है ना शेकिंग फील होगी, तो मैंने सोचा ये भी दोस्तों को बता दूँ, हो सकता है अपने अलाइनमेंट वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आई हो, या फिर अलॉय व्हील चेंज है उसकी वजह से कुछ ऐसा हो रहा हो, ये इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी थी। और ये पता नहीं यार 20 किलोमीटर में 15 मिनट दिखा रहा है, और जबकि मेरे हिसाब से तो 15 किलोमीटर की 15 से भी कम दिखानी चाहिए जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, तो चलिए जल्दी जल्दी खींचते हैं। अभी 5:36 दिखा रहा है और अपने को पहुंचना है 5:30 पे, देखते हैं पहुँच पाएंगे कि नहीं। तो पहुंच गए फ्रेंड्स, लेकिन अपनी डेस्टिनेशन अभी भी है, 14 मिनट दिखा रहा है। तो
लो जी ऑलमोस्ट अपनी डेस्टिनेशन पहुंच गए हैं। एकदम टाइम पे पहुंच गए हैं, देख रहे हो 5:30 पे पहुंच जाएंगे अब। चलिए वहां पहुंच के एंड करते हैं और देखते हैं माइलेज वगैरह कुछ असर पड़ा क्या, क्योंकि काफी खींच के चलाई है मैंने आज गाड़ी। लो जी फ्रेंड पहुंच गए हैं बहुत ही बढ़िया टाइम पे, टाइम गलत हो गया अपनी गाड़ी में, टाइम सेट करेंगे। माइलेज क्या दिया, माइलेज देखे, माइलेज 14.2 यार कमाल हो, कई जगह तो मैंने 120 का भी स्ट्रेच किया था, तो पहली बार मैंने इतनी स्ट्रेच की है गाड़ी, मतलब इतनी फास्ट और टाइम से आगे। भाई मजा तो आता है नो डाउट, बढ़िया चलती है गाड़ी, परफॉर्मेंस के मामले में मजा आ गया, टाइम से पहुंचा दिया अपने को, और क्या चाहिए, अपनी गाड़ी घोड़ी टाइम पे काम आती है। बने रहो नेक्स्ट वीडियो में, और भी अच्छी कुछ जानकारी लेके आऊंगा स्कॉर्पियो की इन्फॉर्मेशन के साथ। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, थैंक यू।